गुड मॉर्निंग एवरी वन। कॉन्टिन्यूइंग विद अवर क्वेश्चन नंबर 4, हमने कंसाइनमेंट अकाउंट डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो हमने कंसाइनर की बुक्स में बनाना है, दैट इज़ कंसाइनिंग अकाउंट। तो टोटल जो उसने सेल्स की 11,27,000 की, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट 11,27,000। देन बिल रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सोहन रिसीव द कंसाइनमेंट एंड इमीडिएटली एक्सेप्टेड मुकेश बिल फॉर 6,50,000 रुपीज़। तो 6,50,000 का जो BR है वो एक्सेप्ट हुआ। तो बाय बिल्स रिसीवेबल 6,50,000, बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस जो उसने किए 26,500, कमीशन जो उसे रिसीव हुए दैट इज 90,160। देन दोनों को जब आप बैलेंस करेंगे तो आपका कैश बैलेंस जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी कैश अकाउंट में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अगर आपके बैड डेब्ट्स हैं क्वेश्चन में, तो एंट्रीज क्या होंगी रिलेटेड टू बैड डेब्ट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। अब एक चीज़ हमने जो आपकी ऊपर टाइप्स ऑफ कमीशन जब की थी, हमने दो टाइप्स किए थे कमीशन की। एक तो ऑर्डिनरी कमीशन को छोड़ के दो टाइप्स जो हम बात कर रहे हैं। पहला था हमारा डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन आप क्यों दे रहे थे? अगर जो आपका कंसाइनी है वो बियर करता है आपके बैड डेब्ट के लॉस को, तो हम उसे डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं। अगर बियर नहीं करता है तो उसे डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दी जाती है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें आपने ये देखना है कि बेशक उसमें बैड डेब्ट आपके दिए हैं, आपने ये देखना है कि डेल क्रेडिट कमीशन कंसाइनी को मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो अगर डेल क्रेडिट कमीशन कंसाइनी को आप दे रहे हैं तो कंसाइनर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो उसके बदले क्या दे रहा है? डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा है कंसाइनी को। लेकिन कंसाइनी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, वो क्या एंट्री होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट। अगर डेल क्रेडिट कमीशन आप कंसाइनी को नहीं दे रहे हैं तो वो लॉस कंसाइनर का है, तो कंसाइनर की बुक्स में भी एंट्री होगी और कंसाइनी की बुक में भी एंट्री होगी। कंसाइनी क्या एंट्री करेगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट। और कंसाइनर के बुक में क्या एंट्री होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अब इसका हम इक्वेशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किंगर एंड कंपनी ऑफ अजमेर कंसाइंड गुड्स टू जिंदल एंड कंपनी ऑफ भोपाल एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 2,40,000। द कॉस्ट ऑफ द गुड्स वॉज 2 लाख, मतलब 40,000 जो है वो लोडिंग इसमें इंक्लूड है। किंगर एंड कंपनी पेड फ्राइट 5,000, जिंदल एंड कंपनी टुक द डिलीवरी एंड पेड 9,000 रुपीज फॉर अनलोडिंग चार्जेस। जिंदल एंड कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 6% ऑन सेल्स एंड 2% एज डेल क्रेडिट कमीशन। तो यहाँ 2% डेल क्रेडिट कमीशन उसे मिल रहा है। देन जिंदल एंड कंपनी स्पेंड 6,500 रुपीज टूवर्ड्स सेलिंग एक्सपेंसेस। दे सोल्ड 80% ऑफ द स्टॉक फॉर 2,10,000 रुपीज, हाफ ऑफ विच वर क्रेडिट सेल्स। 16,000 रुपीज कुड नॉट बी रियलाइज फ्रॉम अ कस्टमर एंड सब्सिक्वेंटली बिकेम बैड डेब्ट्स। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ दी पार्टीज एज्यूमिंग दैट द कंसाइनी सेटल्ड द अकाउंट बाय मींस ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ऊपर वो लिख रहा है कि डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है, और नीचे वो लिख रहा है कि 16,000 कुड नॉट रियलाइज फ्रॉम अ कस्टमर एंड सब्सिक्वेंटली बिकेम बैड डेब्ट्स। अब डेल क्रेडिट कमीशन हम दे रहे हैं तो इसका मतलब बैड डेब्ट का जो पूरा लॉस है वो बियर करेगा कंसाइनी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में उससे रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो कंसाइनमेंट अकाउंट देख लेते हैं। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आपने कितने के किए? 2,40,000 के। उसमें आपकी लोडिंग कितने की इंक्लूड है? 40,000 की। तो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट लोडिंग हमारी लिखती हमने 40,000। अब उसने सोल्ड कितना किया? 2,10,000, और 80% उसने सोल्ड किया, और हाफ ऑफ विच वर क्रेडिट सेल। तो कैश सेल्स हो गई 1,05,000 और क्रेडिट सेल्स 1,05,000, तो टोटल सेल्स हो गई 2,10,000। देन कैश एक्सपेंसेस जो उसने किए 5,000 रुपीज फ्राइट पे किया, तो टू कैश एक्सपेंसेस 5,000। देन जिंदल कंपनी ने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए 9,000 के, वो कौन कौन से थे? 9,000 फॉर अनलोडिंग चार्जेस।
देन इसके अलावा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उन्होंने किए दैट इज सेलिंग एक्सपेंसेस 6500 के, तो टू जिंदल एंड कंपनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 6500 के। देन कमीशन उसे मिलना है, कमीशन जो उसे मिलना है दैट इज 6% ऑर्डिनरी कमीशन एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन, टोटल सेल्स पे ही मिलता है, तो टोटल 8% हो गया। उसने सेल्स कितने की 210,000 की, तो 210,000 का 8% जो है वो कमीशन हो गया। अब गुड्स जो अनसोल्ड है, जो अनसोल्ड स्टॉक है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो अनसोल्ड स्टॉक कितना है, 20% है आपका अनसोल्ड स्टॉक, तो आपका 2,40,000 का टोटल जो था स्टॉक आपने भेजा, तो 2,40,000 का 20% 48,000 रुपीज। देन प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कंसाइनर के नॉन रिकरिंग नेचर का, तो 5,000 का 20% एंड कंसाइनिंग के 9,000, तो 9,000 का 20%, तो ये आ गया आपका 50,800। तो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 50,800। अब इसमें लोडिंग इंक्लूड है, तो अब इसमें लोडिंग जो इंक्लूड है वो कितनी टोटल पे है इंक्लूड 40,000, तो 50,000 पे कितनी इंक्लूड होगी, तो जो लोडिंग है हम निकाल लेते हैं। इसमें इनवॉइस प्राइस था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का 240, कॉस्ट प्राइस था 2 लाख, तो लोडिंग इंक्लूड थी टोटल 40,000। अब 40,000 का 20% हमने निकाला 8,000, तो 8,000 जो हमारी है वो लोडिंग आ गया, तो टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 8,000। देन डेल क्रेडिट कमीशन दे रही हमने, और बैड डेब्ट कंसाइनी खुद बियर करेगा, तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट को जब हम दोनों साइड्स बैलेंस की, तो आपका प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। देन गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, आपका कंसाइनमेंट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 240, उसमें लोडिंग इंक्लूड है 40,000 की, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट एडजस्टमेंट जो हमने की 40,000 की, और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो गया 2 लाख। जिंदल एंड कंपनी का अकाउंट, तो कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 2,10,000, टोटल उसने सेल्स जो की, कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस 9,000, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,500, कमीशन उसकी 16,800 की, दोनों साइड को बैलेंस किया तो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ गई। देन स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जो अनसोल्ड स्टॉक था, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 50,800 एंड बाय बैलेंस सीडी 50,800। स्टॉक रिजर्व का अकाउंट, आपकी लोडिंग स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक था उसमें जो इंक्लूड थी 8,000 की, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 8,000 टू बैलेंस सीडी 8,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7। A of Surat consigned goods to B of Jaipur to be sold at or above invoice price. B is entitled to get a commission of 8% on sales at invoice price plus 25% of any surplus price realized. 25% of any surplus price realized मतलब ये क्वेश्चन किसका है, overriding commission का। B accepted a bill of exchange drawn by A amounting to 50% of the invoice price as security. In the year 2010, goods consigned by A were invoiced at 2,50,000. These goods cost to A 2 lakh rupees including freight. Sales made by B during the year amounted to 2,35,000. At the end of the year, goods unsold with B represented an invoice value of 60,000. During the year, A had received from B 40,000 rupees by bank drafts, certain remittances being in transit on 31st March 2011. Prepare necessary ledger accounts in the books of both the parties. Also show how the consignment stock will appear in the balance sheet. तो इन द बुक्स ऑफ ए हम देखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स आपने सेंड की कितने की, ए वर इनवॉइस्ड एट 2,50,000, तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2,50,000 की, उसने सेल्स कितने की 2,35,000 की, तो बाय बी सेल्स 2,35,000। अब आपने जो कमीशन दी है बी को, सेल्स उसकी थी 2,35,000 की, और यहाँ पे आपका उसका अनसोल्ड स्टॉक दिया हुआ है कितने का, 60,000 का, तो बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस 60,000।
जो ये आपका गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट थी 250 की, उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना था? 2 लाख। तो लोडिंग उसमें इंक्लूड हुई 50,000 की, तो बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट लोडिंग 50,000 हो गया हमारा। अब कमीशन हम देख लेते हैं और स्टॉक रिजर्व हम देख लेते हैं। स्टॉक रिजर्व की पहले हम बात करते हैं। जो आपका 250 था उसमें लोडिंग इंक्लूड है 50,000 की। तो अगर आपका जो इनवॉइस प्राइस है 250 है तो लोडिंग है 50,000, और तो अगर इनवॉइस प्राइस 60,000 है तो लोडिंग कितनी होगी? तो हमारा निकल गया 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख, 50,000 इंटू 60,000, तो ये आपका आ गया 12,000। तो टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 12,000। दोनों साइड्स को हमने बैलेंस किया तो आपका आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब पहले कमीशन एक बार हम देख लेते हैं कैसे निकलेगी। अब देखिए, कमीशन जो है दैट इज 8% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। वो तो सेल्स 2,35,000 की आपकी जो हुई उस पर आपका 8% हो गया, प्लस 25% ऑन एनी सरप्लस रियलाइज्ड। अब जो टोटल आपने भेजी थी गुड्स वो थी 2,50,000 की, उसके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है 60,000 का। तो मतलब जो डिफरेंस है उतने की गुड्स उसके पास अनसोल्ड लाई कर रही है। वो कितने की गुड्स है? 60,000 की अनसोल्ड लाई कर रही है, सॉरी। तो जो डिफरेंस है 2,50,000 माइनस 60,000, वो गुड्स उसने बेची है, उतने की गुड्स उसने 2,35,000 में बेची है। तो 2,50,000 माइनस 60,000 हम करेंगे तो ये आया हमारा 1,90,000। मतलब उसने 1,90,000 की गुड्स को 2,35,000 में बेचा है। तो 2,35,000 माइनस 1,90,000 जो आपका आया उसका 25% हम निकालेंगे। तो 25% 2,35,000 माइनस 1,90,000, मतलब 45,000 का 25% आपने निकाला। और जो आपकी कमीशन है इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड पर, तो 1,90,000 पर आपने 8% जो कमीशन है वो निकाली। तो टोटल जो आपका आ गया 26,450। तो ये कमीशन हमने लिख दिया टू बीस कमीशन अकाउंट। तो दोनों साइड्स को बैलेंस आपने किया तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। देन बी का अकाउंट हम देखें तो कंसाइनमेंट सेल्स 2,35,000 की, बिल रिसीवेबल के बारे में उसे बताया गया है कि 50% ऑफ द इनवॉइस प्राइस एज सिक्योरिटी। इनवॉइस प्राइस जो था आपका 2,50,000 का था, तो 2,50,000 का 50% बाय बिल्स रिसीवेबल में चला गया, कमीशन जो आपने उसे दी। देन आपका इसमें 40,000 का बैंक ड्राफ्ट गया ए बी से जो रिसीव हुआ, तो बाय बैंक 40,000। और जो आपका प्रोपोर्शनेट एडवांस होगा, जो आपका अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है आपका इनवॉइस प्राइस 60 का, उसका 50% भी आपका बैलेंस अमाउंट है। तो 30,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। दोनों साइड्स को जब आप बैलेंस करेंगे तो आपका कैश इन ट्रांसिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। देन गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट सेम तरीके से बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 250, कंसाइनमेंट अकाउंट 50,000 की जो लोडिंग इंक्लूड है, तो टू ट्रेडिंग अकाउंट। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आपका कंसाइनमेंट अकाउंट 60,000 का जो बैलेंस पड़ा है, बाय बैलेंस 60,000। और बैलेंस शीट में आप इसे कैसे शो करेंगे? जो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू है 60,000, उसमें से स्टॉक रिजर्व हम माइनस कर देंगे, लेस स्टॉक रिजर्व 12,000 का, तो आपका 48,000 रुपीज वहाँ पर शो हो जाएगा। जो बुक्स बी में बन बी के अकाउंट बुक्स में जो अकाउंट बनेगा ए का, वो उसी का जो आपका ये अकाउंट बना है बी का, ए की बुक्स में उसका ऑपोजिट हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।